टॉप खबर जयपुर से है। आज हाउसिंग बोर्ड की जयपुर चौपाटी की पहली वर्षगांठ है। लाइव म्यूजिक बैंड जयपुर चौपाटी का मुख्य आकर्षण है। वर्षगांठ पर उत्पादों पर 20% की विशेष छूट दी गई है। दोनों चौपाटियों में विशेष सजावट और लाइटिंग की गई है। तो वहीं दोनों चौपाटियों में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अभी कार्यक्रमों को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कार्यक्रमों को लेकर पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे और चाहेंगे कि तस्वीरें भी आप दिखाएं कि आज का आयोजन कितना भव्य आयोजन। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये जो प्रताप नगर की चौपाटी है इस पे खड़ा हूँ। आज के सही एक साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर शहर को दो बड़ी सौगातें दी थी, जिसमें जो अपना जो ये प्रताप नगर चौपाटी जहाँ मैं खड़ा हूँ और इसके अलावा मानसरोवर अग्रवाल वन चौपाटी, दो चौपाटियों की सौगात दी थी। इन साल ये साल भर में जयपुर शहर का एक आकर्षण का केंद्र रही है। यहाँ पर लोगों का जो है लगातार आना जाना बढ़ रहा है, लोग खूब आते हैं और यहाँ पर जो है आपको जितने भी जयपुर के जो फेमस खाने व्यंजन है और पेय पदार्थ है वो यहाँ उपलब्ध है, उसकी यहाँ पे बाकायदा काउंटर है। तो ये एक जयपुर चौपाटी का आज इस जो मौका है, पहली वर्षगांठ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत लाइटिंग भी की गई है और यहाँ पर लाइव बैंड की प्रस्तुति है। और यहाँ का जो आकर्षण है आज का, आज जो पहली वर्षगांठ है उसका सबसे बड़ा आकर्षण ये भी है कि यहाँ पर जितने भी उत्पाद है, जितने भी पेय पदार्थ और व्यंजन यहाँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनमें 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस 20% का जो स्पेशल डिस्काउंट है इसके कारण जो है लोग काफ़ी हैं और आज पूरा एक साल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइव बैंड की प्रस्तुति भी हाउसिंग बोर्ड की तरफ से की गई है। इसके अलावा जो रेडिक्स पब्लिक स्कूल है वो उसकी तरफ से भी यह एडिशनल परफॉर्मेंस की जा रही है, आप देख सकते हैं। और हमारे साथ जो है जयपुर टिक्का केंद्र जो यहाँ पर एक चलाती हैं दुकान मैडम, वो भी है। ये साल भर कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा रहा सर। ये हमारा जयपुर चौपाटी है, इसमें 28 दुकानें हैं, हर तरीके के व्यंजन है, ऐसा कोई व्यंजन नहीं जो यहाँ लोगों को नहीं मिलता है। हाउसिंग बोर्ड पवन अरोड़ा सर की इस प्रताप नगर को ये बहुत बड़ी देन है। यहाँ डेली संख्या में 1500, 2000, 5000 तक लोग पर डे यहाँ सैटरडे संडे को आते हैं और अलग अलग व्यंजनों का लुफ्त उठाते हैं। बहुत ही अच्छा ये वेन्यू है लोगों के लिए और बहुत टेस्टी व्यंजन यहाँ उपलब्ध है। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है, किस तरह से खचाखच पूरा चौपाटी भरा हुआ है और लोग यहाँ पर व्यंजन का लुत्फ उठा रहे हैं जो कि 20% डिस्काउंट पर है। इसके अलावा जो यहाँ पे रंग बिरंगी लाइटिंग की गई है, यहाँ पे जो लाइव बैंड की प्रस्तुति है उसका भी आनंद ले रहे हैं और यहाँ के बड़ा एक टूरिज्म प्लेस कह सकते हैं साल भर में ये जयपुर में उभर के आया। मैडम, आप यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है? आप क्या फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुकी हूँ मैं, बच्चों ने परफॉर्म किया था योगा में, अभी उनका दोबारा डांस है। तो मैम, जैसे साल भर में आप आए तो वाकई आपको लगता है कि इस इलाके में वाकई इस तरह के एक प्लेस की जरूरत थी? हाँ बिल्कुल जरूरत थी। हम जैसे जो सैटरडे संडे ही फ्री रहते हैं तो सैटरडे के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, वीकेंड को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के साथ। आपने मैम ने बताया कि वीकेंड पे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, फैमिली के साथ आने के लिए या फैमिली में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उसको यहाँ लाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेस है और इस प्लेस की कमी जो यहाँ के लोग महसूस कर रहे थे। सर, आप क्या इस चौपाटी में पहली बार आए? नहीं, मैं पहले आ चुका हूँ बहुत बार। तो साल भर में आप जब आए तो किस तरह से फील हुआ? अच्छा लग रहा है और मेरा घर भी यहीं नियर में ही है तो यहाँ माहौल बहुत अच्छा रहता है लोगों के बीच में और जो खाना वगैरह है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ आज 20% डिस्काउंट भी दिया रहा है? हाँ, वो मैं सुन रहा हूँ और इसी चक्कर पर ऑर्डर भी किया है काफ़ी कुछ खाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग किस तरह से आए हुए हैं और यहाँ पर लाइव बैंड भी चल रहा है और भी लोग हैं जो लोगों के विचार जानेंगे। मैडम, आप क्या आप पहली बार आई हैं या कई बार आ चुकी हैं साल भर में? फर्स्ट बार आए। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा। आपको लगता है कि आपको पहले आना चाहिए था यहाँ पे? हाँ, पहले आना चाहिए क्योंकि हम पास में ही रहते हैं, हमने बहुत मिस किया यहाँ पे नहीं आना। मैं तो भैया भरतपुर से आई हूँ। नहीं, दौरा नहीं है, इन्हीं के चक्कर में इसी को दिखाने लाया मैं आपके लिए। नाम काफी सुनाया हमने जयपुर चौपाटी। मैडम जो है नाम सुनकर यहाँ पर आई हैं, घर पे गेस्ट आए हैं तो उनको दिखाने के लिए लाए हैं और आप लगातार यहाँ पे और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, भंवर सिंह। तो भंवर सिंह जी, आप यहाँ पहली बार आए हैं या साल भर में आते रहे? आते रहते हैं। तो किस तरह, कितनी बार आए हो सर अब तक यहाँ पे? 2-3 times। अच्छा, कैसा सर, कैसी फीलिंग है यहाँ पे? अच्छी, बहुत अच्छा। तो लगता है कि वाकई ये एक टूरिज्म प्लेस है जो है तो इसकी वाकई इस इलाके में कमी थी? नो डाउट, अच्छा है। हम यहाँ पे शॉपकीपर्स भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा आज 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पे लोगों की भीड़ भी है। यहाँ हमारे साथ और भी लोग हैं। मैडम है यहाँ पर,
मैडम यहाँ आप आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं या साल भर में कई बार आ गए? फर्स्ट टाइम आए हैं सर। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम भी आए हैं और कई लोग अधिकतर ऐसे हैं जो कई बार यहाँ आ चुके हैं और यहाँ के व्यंजन का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर जो कस्टमर है लगातार, और सर आप जो है किस तरह का यहाँ पे साल भर में आपने महसूस किया? तो अच्छा एवरेज रिस्पॉन्स है। आज आपने यहाँ पर 20% का डिस्काउंट भी दिया है। बिल्कुल दिया सर। वहाँ पास राजस्थानी फूड है, दाल बाटी चूरमा, चार तरह के चूरमे हैं, स्पेशल चूरमा है, बिल्कुल देसी घी का काम है। और भी बात करते हैं लोगों से, यहाँ पर जिस तरह का एनवायरनमेंट है। बिल्कुल अभिषेक, आज का जो सैटरडे है जयपुराइट्स के लिए सुपर सैटरडे हो गया है, क्योंकि एक और तो जो पहली वर्षगांठ है जयपुर चौपाटी की, उस दौरान उन्हें डिस्काउंट मिल रहा है, तो कई भव्य आयोजन भी आज हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।